सो हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। और आज के इस SSS के एपिसोड 3 में मैं बात करने वाला हूँ एक डिफरेंट टॉपिक पर, जो शायद से किसी ने सोचा नहीं है, ज़्यादातर सोचते नहीं लोग, बट है। ये प्रोमिनेंट चीज़ है, जैसे कि हम जानते हैं मार्वल को, या जैसे तुमने थंबनेल में पढ़ लिया होगा। हाँ, मैं उसी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ कि मार्वल इज डाइंग। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मैं हूँ आपका नेबरहुड रिपोर्टर अल्फा वाइट। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम सब जानते हैं, सुपर हीरो कल्चर में मार्वल का कितना ज़्यादा डोमिनेंस है, क्योंकि शुरुआत से तुम देखोगे आयरन मैन वन की वजह से जो स्टैब्लिश हुआ उनका यूनिवर्स, वो आज तक चल रहा है। उससे पहले भी कुछ मूवीज आई थी, इनक्रेडिबल हल्क हो गई है वो, बट इतना खास प्रॉफिट या वो वाली बात नहीं थी कि उसको यूनिवर्स में दाखिल कर दिया जाए। बट आयरन मैन ने मार्वल के लिए सब कुछ चेंज कर दिया। तो जिस आयरन मैन ने इस पूरे यूनिवर्स को सेटअप किया था, उसके एंड के बाद से ना मार्वल की कुछ भी चीज़ें सही से नहीं चल रही हैं। इसीलिए इस वीडियो का जो टाइटल है मार्वल इज डाइंग, आज उसी को डिस्कस करते हैं। आ जाओ। तो जैसे कि तुम्हें पता है कि मार्वल के पास बहुत सारी फ्रेंचाइजेज हैं, जैसे एक्समैन हो गया, स्पाइडरमैन हो गया, आयरन मैन हो गया, ये सारी फ्रेंचाइज अंडर आती हैं मार्वल के। बट मार्वल के शुरुआत में कुछ ऐसा काम रहा है कि उनके फाइनेंशियल लॉस इतने ज़्यादा हुए कि उन्हें अपनी आईपीज बेचनी पड़ी। जैसे कि एक्समैन उन्होंने बेची थी फॉक्स को, सोनी को बेचा उन्होंने स्पाइडरमैन, जिसकी वजह से आज भी सोनी दबदबा बनाए रखा है सुपर हीरो जॉनर में। बट डिज्नी ने सब एक्वायर कर लिया, बट सिर्फ सोनी के स्पाइडरमैन को छोड़ के, जो सबसे बड़ी जो प्रोमिनेंट चीज़ है जिसपे सबसे ज़्यादा फैंस अभी भी मरते हैं, क्योंकि स्पाइडी इज स्पाइडी। तो तुम्हें बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि MCU की कितनी बड़ी सक्सेस है उसकी, या वो कितना प्रोमिनेंट है इस जॉनर में। तुम अगर देखना चाहोगे तो जो कि शुरुआत की मूवीज़ हैं उन्होंने स्टार्टिंग बेस बनाया मार्वल के, और जो एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर थी उन्होंने ग्लोबल रिकॉग्निशन दी मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स को, और वो शायद से सबसे ज़्यादा कमाने वाली भी हैं मूवी हैं जो इस यूनिवर्स में आई। बट बात ख़राब कहाँ होनी चालू होती है, तो इसी पे आते हैं, ओवर एक्सपेंशन और ओवर एक्सपोजर। आओ बात करते हैं। तो मार्वल ने अपने आप को बहुत बड़ा बनाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा गलती ये करी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करते हुए गए हैं, जो कि अगर तुम नर्ड नहीं हो इस जॉनर के लिए तो तुम्हारे लिए फॉलो करना बहुत ही मुश्किल है। ये मैंने अभी कुछ रिसेंट टाइम में ज़्यादा देखा है, और मैंने देखा है कि डेडपूल जैसी मूवी में भी जो कैमियोज थे वो ज़्यादा लोगों को नहीं पता होंगे, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मुझे भी नहीं पता होता कि अगर मैं थोड़ा भी फॉलो नहीं करता इन चीज़ों को तो मुझे क्या पता होता कि कौन है ब्लेड। वो 90s में आया था, मेरे को क्या पता, मैं हूँ ही 2005 का बॉर्न, तो मुझे कैसे पता होगा कि कौन क्या कर रहा है, समझ रहे हो। तो इतने ज़्यादा कैरेक्टर्स हो चुके हैं और कैमियोज तो बहुत ना के बराबर ही लोगों को समझ आते हैं, क्योंकि इतने पुराने कैरेक्टर्स जो हैं वो उन्होंने देखे ही नहीं है। उन्होंने देखी डेडपूल, नई मूवीज़, आयरन मैन से बात की चीज़ें तब भी लोग समझ जाते हैं, बट उससे पहले का बहुत सैचुरेशन हो जाता है उनके लिए समझने के लिए। एक्समैन की सीरीज़ किसी को पता ही नहीं कहाँ से स्टार्ट करनी है, कहाँ खत्म हो रही है, एक नया रीबूट ला देते हैं और फिर वो ख़राब हो जाता है, इसलिए एक्समैन तो मैंने आज तक छुई नहीं। तो यही ओवर एक्सपोजर कमी बनी है MCU की, क्योंकि उन्होंने इतने ज़्यादा कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर दिए कि लोगों को समझ नहीं आता कौन सा कौन है, और जो नई ऑडियंस अगर इंटरेस्टेड भी हो इसको फॉलोअप करने के लिए वो बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए। क्योंकि सोचो जो मैं 10 मूवी देखनी है बस एक मूवी समझने के लिए, इट्स लाइक दैट कॉम्प्लिकेटेड इन नाउ डेज। तो कौन ही जाएगा कि हाँ भाई मैं शुरुआत से देखता हूँ आयरन मैन, और ताकि मैं इस जो बबल बना दी है सोसाइटी ने कि आ रहे थे उन्होंने मार्वल नहीं देखी, क्या देखता है, ऐसा ना हो। और जो ये ऑडियंस है, ये तो नई ऑडियंस है, बट हम पुरानी ऑडियंस की भी बात कर लेते हैं, उनका इंटरेस्ट कहाँ खो रहा है। तो मैं आता हूँ अपने तीसरे पॉइंट पे कि फॉर्मुलेटिंग कंटेंट बनाया जा रहा है बहुत ज़्यादा। तुम्हें अब शायद से देखने में भी मिल जाएगा कि बहुत ज़्यादा स्टोरी लाइन सेम हो चुकी है, क्योंकि सुपर हीरो जॉनर में तुम वही एक सेम स्टोरी लाइन बार बार ले आते हो। शायद से उसमें बीच में कभी शैंगची में थोड़ा डिफरेंस आया भी था, नहीं तो सिर्फ ये मूवी है कि विलन आता है, विलन सेटअप होता है, विलन को लास्ट में मार देते हैं और हीरो अच्छा बन के निकल जाता है। कुछ भी स्टोरी लाइन में बिल्कुल चेंज ही नहीं हो रहा रत्ती भर। आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, इनमें तुम थोड़ा अलग देख भी सकते हो, जैसे कि स्पाइडरमैन में हो जाती हैं चीज़ें कुछ अलग, बट ओवरऑल बेसिक स्टोरी लाइन बिल्कुल सेम प्लॉट के साथ परोस दी जाती है नए कैरेक्टर्स के लिए। ऐसा लगने लगा है अब मेरे को कि पोटेंशियली नहीं बचा है, हमें सिर्फ रिपीटेटिव कॉन्टेंट ही देखना पड़ेगा, जो कि एक बहुत ही गलत परसेप्शन बना रहा है MCU अपनी ऑडियंस के लिए। और जो यही चीज़ है, इसी की वजह से जो डिक्लाइन आ रहा है उनके खुद की ऑडियंस में, कि जो ऑडियंस जो हमेशा से प्यार करती थी
कुछ चीजें इसी वजह से खराब होती जा रही हैं उनके लिए, खुद के लिए, कि जो ऑडियंस ग्रैब वो कर रखी थी उन्होंने आयरन मैन से लेकर, वो अब धीरे धीरे गुम हो रही है क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या कर रहे हैं ये लोग, और उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो मूवी डिलीवर ही नहीं कर पाती है। और इसमें सबसे बड़ी बात आती है हमारा चौथा पॉइंट, कि जो ऑडियंस को नए चीज़ें मिलने चालू हो गई हैं। तुम्हें पता है डीसी चालू हो गया, डीसी अपना अच्छे से चालू होने वाला है क्योंकि जेम्स गन जो कि निर्देशक थे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी सीरीज के, वो आ रहे हैं अपना नया यूनिवर्स स्टार्ट करने डीसी में, क्योंकि अनबन हो गई है मार्वल की, या नहीं मार्वल की अनबन नहीं हुई है बट हाँ नया यूनिवर्स चालू कर रहे हैं, और डीसी ने वॉर्नर ब्रोज ने खासकर दी है अपॉर्चुनिटी कि हाँ हम आप पे रिलाई कर सकते, तो कौन अच्छा नहीं चाहेगा अपना। इसी वजह से जो कॉम्पिटिशन में बढ़ोतरी हुई वो सबसे मेन रीज़न है मार्वल की ऑडियंस कम होने का, क्योंकि अगर तुम समझोगे कि अगर तुम्हारे पास चार चीज़ें हैं और चार में से दो रिपीटेटिव हैं और दो बिल्कुल नहीं है दोनों से अलग, तो कौन पुराने वाले कंटेंट के पास जाएगा। तो तुम्हें नहीं समझ आ रहा कि कितना ज़रूरी है यूनिक बनना, तो तुम देख सकते हो दी बॉयज़ को, उसकी फैन बेस आज मार्वल से भी ऊपर जा सकती है क्योंकि दे आर नॉट रिपीटिंग देयर कॉन्टेंट ईयर बाई ईयर। ठीक है, दी मार्वल्स जो कि मूवी चली नहीं, अपने बॉक्स ऑफिस पर बहुत बेकार चली, जिसकी वजह से शायद से लॉस भी हुआ होगा मार्वल को, बट दे ऑलवेज ट्राई टू मेक अनदर मार्वल, जिसकी वजह से चीज़ें खराब हो रही हैं, ये मानना पड़ेगा। उन्होंने अपने सुपर हीरो यूनिवर्स को फेमिनिज्म से इतना रिलेट कर दिया कि जो रियल फैंस हैं हीरोज़ के वो देख ही नहीं रहे, क्योंकि उन्हें ये नहीं कि लड़की अच्छा एक्शन नहीं कर सकती, नहीं, ब्लैक पैंथर 2 में मज़ा आया लोगों को और उन्होंने अप्रिशिएट भी किया, बट हर जगह नहीं चलता। दी मार्वल्स वही एक एक्सेप्शन केस है जो कि ऑडियंस नहीं चाहती वापस से कभी देखना, और ना ही बनाना मार्वल तो अच्छा रहेगा। और चाहे मार्वल माने ना माने, फैन बेस अफेक्ट हो चुका है और धीरे धीरे और ना वो ना ये रोकना पड़ेगा, जैसे कि उन्होंने लास्ट अनाउंसमेंट ये करी कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर इज बैक इन न्यू रोल इन डूम्स रोल। तो देखो चीज़ें अच्छी हो सकती हैं यहाँ से भी, क्योंकि जो कि सबसे बड़ा कैरेक्टर उन्होंने इस्टेब्लिश किया था उसी के एक्टर को वो वापस आ रहे हैं एक नए रोल में, तो हो सकता है कि मूवी सीरीज या जो भी आगे के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं उन पे इम्पैक्ट दिखे अच्छा खासा और लोग वापस आए। बट अभी की ऑडियंस कुछ ऐसी हो चुकी है कि उनको डेडपूल में भी मज़ा नहीं आ रहा, उनको अपने पैसे वर्थ इट नहीं लग रही, ये सच है, क्योंकि सेम तुम कैमियोज स्टोरीज और विलन, इतना चूतिया विलन लिखोगे तो कोई देखने में किसको मज़ा आएगा, कि तुमने उस विलन को बस ये दिखाया कि उसको बस खराब करनी चाहिए विदाउट एनी तुक, क्यों आएगा कोई। जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं वही बचा सकते हैं हम एमसीयू को, डेडपूल ने अपनी पूरी कोशिश करी और वो बचाने में सक्सेसफुल हुई। ऑडियंस को चीज़ें कुछ ख़राब लगी हैं बट ऐसा नहीं है कि मूवी बेकार गई है, मूवी बहुत अच्छी गई है, बट कुछ ऑडियंस है जिनको अभी भी चीज़ें अच्छी नहीं लगी। अभी ये वो वाली ऑडियंस नहीं है जो कि हर चीज़ को बुरा बोलती है, ये मार्वल को अच्छा बहुत शुरुआत में भी बोलती थी और शायद तो बीच में भी बोलेगी और अब आगे आने वाली चीज़ों में भी बोलेगी, बट जब चीज़ें खराब होती हैं तब सिट बैक करके थोड़ा रिलैक्स करके एक नया डिसीजन लेना पड़ता है ताकि आगे का फ्यूचर सिक्योर रहे। तो वही वाली चीज़ है अभी कि जो मार्वल है वो अपने फैंस को वापस से ला सकती है अपने यूनिवर्स में बहुत प्यार से एक RDJ कमबैक करके और उसको लोगों की नज़रों में अच्छा दिखा के। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी स्टोरी लिख रहे हैं, विलन को कोई कैरेक्टर आर्क ही नहीं दिया, बस आ रहा है वो और मार रहा है, ऐसा नहीं चाहिए हमें चाहिए, हम समझदार हो चुके हैं। जो 2 साल का बच्चा या 5 साल का बच्चा स्टार्ट कर रहा था जिसने MCU देखना, अब वो हो चुका है 25 का, अब वो हो चुका है 20 का, तो उसे अकल आ चुकी है। तो आप ये नन्हे मुन्ने वाले बच्चों वाली है स्टोरी ना सुनाएं और अच्छे से लिखें, क्योंकि इतना अच्छे से तो कोई बोलना नहीं चाहिए, पर नौसिख ही अभी लिख देता है कि हाँ उसे समझ आता है कि 10 साल में कितना कर्व ऊपर नीचे हो रहा है। तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया, कैसे डाउनफॉल आया और कैसे डाउनफॉल सही हो सकता है, उसी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। तो मुझे मार्वल से टू बी ऑनेस्ट उम्मीद है कि वो अपने आप को वापस से रिक्लेम कर लेगा और शायद से DCU और मार्वल की टक्कर होगी, जो कि सोचो फैंस को ज़्यादा कॉन्टेंट मिलेगा तो और एंगेजिंग होगा ये पूरा जॉनर, मज़ेदार होगा कि अरे यहाँ से मार्वल आ रहा है, यहाँ से DC आ रहा है, लगे पड़े हैं बनाने में अच्छा कॉन्टेंट और दे रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं। तो हाँ, इसी सोच के साथ RDJ की वापसी के साथ मैं चलता हूँ, नई वीडियो में आऊँगा, तब तक के लिए स्वस्थ रहना, मस्त रहना, बुरी नजर से दुरुस्त रहना, और बताओ SSS कैसा लगा, और 30 डेज सेकेंड वीडियो इज़ हेयर, अब तीसरे वीडियो के लिए कल मिलते हैं, बाय बाय।